चुप करो। पापा की तबीयत इतनी खराब है और मैं रोऊं भी ना। पापा की तबीयत अब ठीक हो गई है और अगर तुम्हें इस बात पे रोना आया तो रोती रहो। शट अप सर, मैं तुम्हारी तरह बेहस नहीं हूँ। सही कह रही हो, एक तुम बेहस नहीं हो और एक तुम्हारा ये हस्बैंड। पापा की परेशानी मैंने सुबह से एक दिवाला नहीं खाया, सुबह से भूखी हूँ मैं। उल्लू के पट्टे, और तुम्हारे कहने पे सारा मैच पे पैसा लगाया था मैंने, क्या मतलब पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था, इस बार भी बाजी उलट गई, मेरी तो सारी रकम डूब गई ना यार। एक तो शायद अफरीदी ने सारे चौके चक्के आज ही लगाने थे, सारे मैच का। क्या मतलब है यार, मैं मैच देखने नहीं आ सकता, और मेरे चचा की तबीयत खराब है। इनका ब्लड प्रेशर हाई हो गया है। बाबा, आपने फिर से अपना बीपी बढ़ा लिया। ऐसी नर्सें देख के बीपी सिर्फ हाई हो सकता है। और अगर आप वापसी पे उसी फ्लाइट पे गए जिससे आप आए थे, और वही वाली एयर होस्टेस अगर आपको मिल गई और उसको देख के, तो आपका बीपी डेफिनेटली बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा। हाय मत बात करो उसकी वैसे, लेकिन तुम्हारी माँ को देख के फिर हाई हो जाएगा। लेकिन एक बात तो है, ये लगता है सारी रिटायर्ड स्कूल टीचर्स जो है ना, ये एयर होस्टेसेस बन जाती हैं या अस्पताल में नर्सिंग। चाचा जी, डॉक्टर ने मना किया है, आप ज़्यादा बातें ना करें, आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं। सॉरी। ओके, क्वाइट टोटल। ये क्या कर रहे हैं आप? फूंक रहा हूँ और क्या कर रहा हूँ? नो 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 नो, डोंट डू दिस बाबा, दिस इज वेरी अनहाइजीनिक। ऐसे नहीं कहते, कलामे इलाही की तासीर से हर चीज पाक हो जाती है। अब देखिएगा चाचा जी बिल्कुल ठीक हो जाएंगे बहुत जल्दी। ठीक कह रहा पुत्र, अगर ये माना पहुंचता ना तो मेरा कोई पता नहीं था, मैंने डायरेक्ट ऊपर चले जाना। खुदा ना खास्ता चाचा जी, ऐसे तो ना कहें, ये हुक्मे इलाही था, इसीलिए तो मैं आपको अस्पताल लेके आया, और आपकी तबीयत ऐन मैंने मदरसे के सामने खराब हुई। आप देखिएगा कुछ ही दिनों में आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला। जिंदा रहे, अल्लाह तुझे खुश रखे। आए, अस्पताल तो बड़ा अच्छा है पर जरा खाना इधर ठीक नहीं है, जरा चेक तो करो अंदर से कोई यार कुकड़ शुकड़ मिल जाए। चाचा जी अच्छा मैं देखता हूँ। अरे क्या हो गया तुम दोनों को, डॉक्टर ने कहा है कि सुबह डिस्चार्ज कर देंगे, तो फिर परेशानी की क्या बात है, कुछ खा लो बेटा, कब तक भूखी रहोगी। हाँ ये खा लो सैंडविच, वो असगर लेने गया है वाली गरम गरम कॉफी। और हाँ बेटी की सुन लो, कमाल की उन्होंने आलू के पराठे लेकर यहाँ आ गए हॉस्पिटल में, जस्ट इमेजिन आलू के पराठे। पापा की हालत इतनी खराब है और आप लोग मजे से बैठ के खाना खा रही है, मेरा तो दिल घबरा रहा है, मैं वॉक करके आती हूँ।